तो हाँ भाई करें शुरू। तो मार्केट में काफी ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं। अगर आप थोड़े भी टेक एंथुसियास्ट हो, ट्विटर पर टेक को फॉलो करते हो, टेलीग्राम पे टेक को फॉलो करते हो, तो आपको पता होगा भाई ग्रीन लाइन और पिंक लाइन इशू काफी ज्यादा चल रहा है स्मार्टफोन में, एंड स्पेशली वन प्लस। भाई वन प्लस तो बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बट भाई ऐसे नहीं है कोई पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर ये दिक्कत है। अगर मैं देखूं तो सैमसंग की भाई एस सीरीज के अंदर ये इशू हमें 2 साल पहले देखने के लिए मिल चुका था, बट वो इशू दबा दिया था। अब इसके पीछे का रीजन तो आपको पता है क्यों दब गया होगा। और इन दो ब्रांड के अलावा भी भाई जितने ब्रांड है जैसे कि Vivo, IQ, इनके अंदर भी ग्रीन लाइन इशू मिल रहा है। Motorola के नए फोन तक के अंदर ग्रीन लाइन इशू मिल रहा है, तो किसी पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर नहीं है ये इशू। एंड ऐसा भी नहीं है कि भाई जो पुराने ब्रांड है उनके अंदर ही ये दिक्कत मिल रही है। अगर देखा जाए तो Nothing को आए हुए 1 साल हुआ है और Nothing Phone 1 के अंदर भी सेम इशू रिपोर्ट हो चुका है। तो यहां पर भाई ऐसा नहीं है कि पुराने ब्रांडों के साथ दिक्कत है या किसी पर्टिकुलर ब्रांड के साथ दिक्कत है, तो ये वाली मिथ हटा दो दिमाग से। अब यहां पर दूसरी मिथ ये आती है कि भाई एंड्रॉइड की कोई प्रॉब्लम होगी, तो भाई ये वाला इशू ना एप्पल के अंदर भी है। आईफोन एक्स का जब फर्स्ट लोट आया था ना उसके अंदर ये सेम इशू फेस हुआ था, एंड अभी आईफोन 14 जो लेटेस्ट आया उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम फेस हुई है। तो ये एंड्रॉइड बेस्ड प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली यहां पर एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के अंदर ही फेस हुई प्रॉब्लम है। और थर्ड चीज निकल कर आती है कि काफी लोग सोच रहे हैं जितने भी हाई रिफ्रेश रेट वाले पैनल है उनके अंदर दिक्कत आती है। तो भाई एक वीडियो भी निकल कर आई थी सैमसंग की जिसमें 60Hz पे लगाती ग्रीन लाइन गायब हो रही थी, लेकिन 120 लगाती भाई फिर से आ जाती थी। तो इसे देखकर लगता है, लेकिन अगर मैं इस इशू को देखूं और भाई उससे रिलेटेड फोनों को देखूं तो आईफोन एक्स उसमें कौन सा हाई रिफ्रेश रेट है, तो ये भी चीज खत्म हो जाती है कि जिस फोन में हाई रिफ्रेश रेट है उसी के अंदर ये दिक्कत देखने के लिए मिलेगी। तो आई थिंक ये वाली मिथ तो खत्म हुई होगी कि आपके स्मार्टफोन में इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से आ रही है। अब यहां पर देखा जाए तो जितने भी स्मार्टफोन में ये वाली दिक्कत है उन सभी में एक चीज कॉमन है, वो है ओलेड पैनल। आपके फोन के अंदर ओलेड पैनल है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि ये वाली प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए मिल सकती है। और ओलेड डिस्प्ले ना हर कंपनी अपनी खुद की नहीं बनाती है, वो भाई दूसरी कंपनी से लेती है, जैसे कि सैमसंग सबसे ज्यादा फेमस है। Nothing के फोन के अंदर हो सकता है सैमसंग से डिस्प्ले ली गई हो, ऐसी काफी सारे स्मार्टफोन आते हैं कि एप्पल भी सैमसंग की डिस्प्ले यूज करता है। 2022 तक सबसे ज्यादा जो पैनल यूज करे गए हैं वो भाई सैमसंग के यूज करे गए हैं, उसके बाद बोके, फिर एलजी के। तो भाई कंपनी वाइज देखा जाए तो टॉप पर सैमसंग के ही पैनल यूज करे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि एक ही मैन्युफैक्चरर का लोट इन सब ने यूज कराओ जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सैमसंग की ही दिक्कत है, हो सकता है बोके डिस्प्ले हो या हो सकता है कि एलजी की डिस्प्ले हो, तो वो तो भाई कंपनी खुद ही जाने। पर इन सारी चीजों को देख के लगता है एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। बट अब पॉइंट ये आता है कि भाई अभी क्यों फेस करने के लिए मिल रही है वाली प्रॉब्लम। तो देखो कोई भी स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है वो कैसे खराब होती है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, ज्यादा मजा आएगा। तो सबसे पहले अगर आप अपने फोन को गिरा देते हो, उस पर कोई इंपैक्ट आता है फिजिकली, तो हो सकता है कि डिस्प्ले खराब हो जाए, या आप उस पर प्रेशर डालो, उस पर बैठ जाओ या कोई वेट रख दो। जेरी रिग ने जैसे कि फ्लिप वाली वीडियो के अंदर एक पॉइंट से प्रेशर डाला था तो उसमें भी ग्रीन लाइन आ गई थी। तो ये चीज क्लियर है कि अगर आप फिजिकली प्रेशर डालते हो या उसे डैमेज करते हो तो हो सकता है डिस्प्ले खराब हो जाए आपकी। दूसरा है, हमारे स्मार्टफोन के अंदर ना एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मदरबोर्ड और डिस्प्ले को कनेक्ट करके रखता है, तो अगर वो लूज हुआ या डैमेज हुआ जब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। एंड थर्ड पॉइंट जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, पिक्सल में वोल्टेज की फ्लक्चुएशन। अगर आपने मेरी एमोलेड डिस्प्ले वाली वीडियो देखी है उसमें मैंने बताया था कि आपके हर पिक्सल के पास 3 सब पिक्सल होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, जिसे हम RGB बोलते हैं। और भाई हर किसी की वेवलेंथ अलग होती है, तो उन्हें सेम इंटेंसिटी पे ग्लो करने के लिए अलग अलग वोल्टेज सप्लाई की जाती है। तो सब पिक्सल में वोल्टेज की फ्लक्चुएशन की वजह से भी ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से आपके फोन की डिस्प्ले खराब हो सकती है। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है ना पिंक और ग्रीन लाइन वाली, ये जनरली जब फेस हो रही है, जब आप अपने फोन को अपडेट कर रहे हो उसके 1-2 दिन बाद आपको फेस होना चालू हो जाती है। तो भाई इसके पीछे रीजन काफी सारे हैं, जिन्हें बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आप अपने अगर फोन को यूज करो 1-2 साल हो गया है ना, तो उसके हार्डवेयर की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है विद द टाइम। आप इसे ऐसे समझे जैसे आप अपने फोन की बैटरी को भाई 20% से नीचे चार्ज कर रहे हो और भाई 80% से ऊपर चार्ज कर रहे हो, तो उसकी जो साइकिल है वो खत्म हो जाती है। ऐसी हर एक हार्डवेयर की ना अपनी अपनी एक लिमिट होती है। तो यहाँ पर क्या है ना, आपका फोन पुराना हो गया, कंपनी ने आपको अपडेट प्रोवाइड कराई, और अपडेट प्रोवाइड कराने के बाद भाई आपने देखा होगा जब भी हम अपने फोन को अपडेट करते हैं तो एक्सट्रीम हीट करता है, और काफी बार तो ऐसा भी होता है कि हमारे फोन की बैटरी कम है तो पॉपअप मिल जाता है कि इसे चार्जिंग पे भी लगा लो अपडेट करते हुए। तो आपको पता है कि चार्जिंग से अलग हीट होता है भाई फोन, और अपडेट करते हुए अलग हीट होता है, तो यहाँ पर एक्सट्रीम हीटिंग हो जाती है। और ज्यादा हीट होने की वजह से हो सकता है, जैसे मैंने बताया था, रिबन जो है आपकी डिस्प्ले और मदरबोर्ड को कनेक्ट करे हुए, मदरबोर्ड गर्म होने की वजह से वो भी डैमेज हो जाए, और इसी वजह से हमें ये वाला इशू फेस करने के लिए मिले। अब दूसरा मेरे को लगता है कि भाई जो स्मार्टफोन ब्रांड डिस्प्ले की ऑप्टिमाइजेशन के अपडेट प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि आपको बेहतर कलर्स तो मिलते ही रहे, साथ ही बैटरी कम कंज्यूम करे डिस्प्ले और भाई स्मूथनेस भी बरकरार रहे आपकी डिस्प्ले की, तो उस अपडेट के अंदर हो सकता है कि जो वोल्टेज है ना उसके अंदर कुछ चेंजेस करे हों, और जो हमारी डिस्प्ले का लोट है उसके अंदर ही कुछ ऐसी दिक्कत होगी। अगर पिक्सल की वोल्टेज में कुछ फ्लक्चुएशन आती है तो भाई डेड हो जाए पिक्सल, तो वही वाली दिक्कत यहां पर हो सकता है भाई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से ये खराबी हमें देखने
के लिए मिल रही हो। बट एक चीज तो कंफर्म है कि भाई ये सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम आ तो रही है लेकिन सॉफ्टवेयर से सही नहीं हो सकती है, आपकी डिस्प्ले ही चेंज करनी पड़ेगी जब भी जाकर ये प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि काफी लोगों ने अपडेट करने के बाद जब प्रॉब्लम आई तो उसको भाई फिर से डाउनग्रेड करा ये देखने के लिए कि हमारी डिस्प्ले सही तो हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि डिस्प्ले के पिक्सल्स ही खराब हुए हैं पूरे। अब जब स्मार्टफोन ब्रांड के साथ ही स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी ना, भाई से इग्नोर करा गया था, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा चला हुआ हर एक ब्रांड से दिक्कत है ये वाली, तो भाई स्मार्टफोन ब्रांड आ गया है और उन्होंने बोला कि आप अपने फोन की डिस्प्ले फ्री में रिप्लेस करा सकते हो। बट यहाँ पर भी इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि मेरे को काफी ज्यादा वाहियात लगी है। जैसे कि अगर आपके स्मार्टफोन पे कोई भी डेंट है, हल्की सी भी स्क्रैच है, तो भाई आपकी डिस्प्ले रिप्लेस करने से मना करने वाले हैं। जो कि मेरे को लगता है कि भाई इतने बड़े बड़े फोन आ रहे हैं साइज के, मेरे पास भाई S23 अल्ट्रा है, मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी दिखाया था कि उस पर भी डेंट पड़ गया था क्योंकि मुझसे वो फोन गिर गया था। तो बड़े फोन है भाई, और अगर आप ऊपर से एक दो साल चला रहे हो तो छोटा फोन भी गिर ही जाता है, तो थोड़ा बहुत डेंट तो चलता है, तो भाई उनको रिप्लेस करके देनी चाहिए वहां पर डिस्प्ले। लेकिन अगर भाई डिस्प्ले के पास से कोई क्रैक है या डिस्प्ले क्रैक है तो वहां पर मत करो, लेकिन हल्की फुल्की अगर फोन पे स्क्रैच है, साइड फ्रेम पे हल्का फुल्का डेंट है, तो भाई ने फ्री रिप्लेसमेंट करनी चाहिए डिस्प्ले की। और दूसरा, अगर ये डिस्प्ले रिप्लेस कर भी रहे हैं तो वहां पर वारंटी पता कितने दिन की मिली है? सिर्फ 14 दिनों की। जनरली भाई 3 महीने या 6 महीने की मिलनी चाहिए। अब मानो मैं फोन अपना सही करा के लाया और 15-20 दिन बाद मेरा फोन फिर से खराब हो गया, तो उसकी गारंटी कौन लेगा? तो भाई यहाँ पर मेरे को लगता है कि स्मार्टफोन कंपनियों को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन सही करके इन सारी चीजों को फिक्स करना चाहिए, और यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल देखा जाए तो भाई OnePlus के फोनों के अंदर तो कुछ ज्यादा देखने के लिए मिल रही है ग्रीन लाइन इशू, मतलब हर एक यूजर लगभग इससे परेशान ही है। तो इस चीज से बचा कैसे जाए? तो देखो, जैसे हमारे पास अपडेट आ रही है ना फोन में, तो उसे तुरंत अपडेट मत करो, 15-20 दिन रुको, वेट करो, और वेट करने के बाद अपने फोन का नेम डाल के, जैसे कि मैं S23 अल्ट्रा यूज कर रहा हूं, तो उसे डालने के बाद ग्रीन लाइन डालो, वहां पर फिल्टर करो और देखो 15-20 दिन में किसी को ये प्रॉब्लम फेस तो नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो भाई अपडेट कर लो, लेकिन अगर हो रही है तो भाई अपडेट मत करना, फिर से वेट करो। तो अभी तो यही एक तरीका है जिससे आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो आप मुझे जरूर बताना कि आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो और क्या आपको तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। तो मेरा नाम है पीयूष और चैनल का नाम है HFE Unbox। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैगा टू वॉच योर हार्ट फील स्टेट इन विद HFE Unbox गाइस।